संतोष किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बनाती हूँ चावल। तो चावल के भाई अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आज खुला खुला चावल बनाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ले लिया पानी। तो आधे किलो चावल लिए मैंने। ये बनाने वाले चावल है, आप देख सकते हो लंबे वाले। तो आज बनाएंगे इनको खुले खुले। तो पानी को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए, पानी को अच्छे से बॉईल आने देंगे जब भी आगे का काम करेंगे। तो चावल को मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से, गर्म पानी से धो लिया। इसमें क्या कचरा रहता है तो वो साफ कर लिया। चावल को धो के ही बनाना चाहिए। चावल तो सबको बनाना आता है, बस तरीका होना चाहिए बनाने का। तो अच्छे से बॉईल होने लगा है तो मैंने लिए 4-5 काली मिर्च और 2 लौंग। ये डाल दिया पानी के अंदर। ये एक ले रही हूँ तेज पत्ता। इसके लिए चाहिए हमारे को, देख सकते हैं, 1 चम्मच ले रही हूँ मैं गाय का देसी घी। तो देसी घी को भी इसमें डाल दिया। अभी इसको जाने देते हैं मेल्ट। तो घी अच्छे से मेल्ट होगा। अब डाल देंगे इसमें चावल। अब इसको पकाते हैं 5-6 मिनट तक। तो पानी में देखिए अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया। तो आप किस बात की टेंशन। अब 10 मिनट तक पकाते हैं, फिर देखते हैं आगे का काम। तो एक बार देख लेते हैं, 4-5 मिनट हो गई। तो अभी चावल अच्छे से पका नहीं, इसके लिए हमारे को 10-12 मिनट का समय चाहिए। तो अभी टाइम पूरा हुआ नहीं तो चावल कैसे पकेंगे। अभी और पकाना है हमारे को 5-6 मिनट। तो देखिए हो गई 10 से 12 मिनट। तो चेक करते हैं एक बार, हमारे को इसी हिसाब से लेके और चेक करना है कि अच्छे से गल गए, टूट रहे, इसका मतलब ये पक गए। गैस को कर देते हैं। अब इसको छान लेते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं छन्नी से। तो देखिए चावल छान लिए हमने, तो कितने अच्छे खुले खुले बने हैं आप देख सकते हो। देखिए बिल्कुल खुले खुले, देखे बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है चावल, खुले खुले कितने अच्छे बने हैं। तो आप भी इसी हिसाब से चावल बनाए, 10 से 12 मिनट में चावल बनके और तैयार हो गए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आज के लिए थैंक यू।